जैसे उस किसान ने उस बकरी को काबू किया है, हां उसे मारना पड़ा, उसे डांटना पड़ा, पीटना पड़ा उस बकरी को, अपने मन को पीटिए, अपने मन को दंड दीजिए, अपने मन को किसी भी हालत में, ये जो संत महात्मा आप पूरे कुंभ में देख रहे हो, आप जाइए दर्शन करिए, कितना कितना कठिन अनुष्ठान में लगे पड़े हैं, ये अपने अपने मन को, अपने मन को काबू कर रहे हैं, ये अपने मन को पीट रहे हैं, दंड दे रहे हैं कि अरे मन, ये ऐसा दंड देते हैं तुझे, जो शैतानी करनी हो तू कर, देखता हूं तू मेरे पर हावी होता है या मैं तेरे पर हावी होता हूं। मन, मैं तब तक तुझे दंड देता रहूंगा जब तक मेरे कहने से तू ना चले, तेरे कहने से मैं ना चलूं। मन के कहे नव कीजिए, मन चंचल मन चोर, मन तो चंचल है, मन चोर है, मन मन के कहे नव कीजिए, मन से हरायु ढोर, कि मन के कहने अनुसार मत करिए। इसलिए हम मन को काबू करें, काबू करने के लिए जो जो प्रयोग किया है उस किसान भाई ने बकरी के मन को काबू करने के लिए, वैसे हम भी प्रयोग करें। इसीलिए तो ये कथा, ये अनुष्ठान होता है, ये कथा बस हम गए थे कथा सुनी नहीं, ये कथा सुनना अनुष्ठान, अनुष्ठान की तरह कथा सुनिए, अनुष्ठान की तरह कथा करिए, एक अनुष्ठान की तरह हम जो जो साधनाएं हमारी हो, किसी संगीत वाले की संगीत ये साधना होनी चाहिए, उसके लिए संगीत अनुष्ठान हो, कोई कथा करे कथा उसके लिए अनुष्ठान हो, कोई कथा श्रवण करे वो अनुष्ठान की तरह कथा श्रवण करे, एक योग्यता के साथ, एक अनुष्ठान, एक नियमों के साथ, तभी तो मन को दंड मिलेगा, तभी तो मन में संस्कार आएगा, तभी तो वो सिस्टम बनेगा। नहीं तो आप जैसे मन की सुनते रहो तो मन तो आपको आपको भगाता रहेगा, मन तो आपको वापस वापस नए नए शरीर को धारण करने पर मजबूर करता रहेगा। ये मन, यही तो मूल है, यही तो कारण है। इसीलिए मन के कहे नव कीजिए। इसलिए महाराज तुलसीदास भी बहुत बढ़िया कहते हैं, कैसे राखूं, भरवी चल रही है ना, कैसे राखूं मन को बस में, मन कर रखा मुझको बस में, कैसे रखूं मन को बस में, इस मन ने ही मुझे बस में कर लिया है। तुलसी का मन विषय कुरस में, तुलसी का मन विषय कुरस में, तुलसी का मन, तुलसी का मन, तुलसी का, तुलसी का, आ, 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 आ,
उसी का मन विषय कुरस में पल पल में ललचाय मोहे मन नहीं जीत्यो जाय सावरिया तो से अर्ज करो सावरिया तो से अर्ज करो सावरिया मोसे मन नहीं जी तो जाय मोसे मन नहीं जी तो जाय मोसे मन नहीं जी तो जाय तो से अरज करो सावरिया कि हे सावरिया हे भगवान हे मेरे प्यारे प्रभु मैं अरज कर रहा हूं मुझसे मन नहीं जीते हो जाए कि मेरे से मन मैं मन को जीत नहीं पा रहा हूं कृपा करे मैं अपने मन को जीतूं। बस आपने मन को जीत लिया आप जीत गए मन के हारे हार है मन के जीते जीत ये हार तो मन में है जब कर्ण बाण चला रहे थे उसके प्रधान कह जो रथ चालक थे वो कह रहे थे अरे कर्ण क्या बाण चलाते हो अब अर्जुन से भी बढ़िया तीर छूट रहे थे कर्ण के धनुष से अर्जुन से भी लेकिन सारथी कह रहे थे अरे कर्ण कैसे तीर चलाते हो अरे कुछ जानते भी हो नहीं और यहां अर्जुन गलत भी तीर छोड़ दे तो मेरे प्यारे प्रभु भगवान कृष्ण जो सारथी बने थे वो कह रहे थे वाह अर्जुन बस वाह अर्जुन तू तो जीत गया अर्जुन तो जीता है अर्जुन मन के हारे हार है मन के जीते जीत कर्ण के तो और बढ़िया तीर थे धनुर्धारी तो कर्ण था लेकिन फिर जो जो ड्राइवर मिला ना वो नकारात्मक वाला निगेटिव थिंक वाला मिला अरे कर्ण कर्ण की नकारात्मकता बढ़ती गई बढ़ रही थी इसलिए आप भी ऐसी संगत में रहने की कोशिश करना जो आपको सकारात्मक दे सकारात्मकता दे ऐसे वातावरण में और ऐसे सानिध्य में रहने की कोशिश करना नहीं तो और ऊर्जा नहीं है तो आ जाएगी लेकिन अगर ऊर्जा है भी लेकिन गलत संगत में जाओगे तो वो है ऊर्जा वो भी खत्म हो जाएगी इसीलिए तुलसी जी महाराज ने मन के बारे में कहा हम आज बस वही आपको शुरुआत में कहना चाह रहे थे कि इसी तरह हम भी मृत्यु को प्राप्त करना है लेकिन मृत्यु प्राप्त होने से पहले कौन सी मृत्यु प्राप्त करनी है वो समझ ले याद रखे और उसी तरह जीवन को जीने की बनाने की कोशिश करे मरते सब है सब जीव जंतु पशु पक्षी सब मर रहे हैं सबकी हमारी भी मृत्यु है समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं एक मरे तैसा दूजा शोक वाह एक मरता है दूसरा उसके लिए मरने वाले को रोता है लेकिन रोने वाले को याद रखना चाहिए उसको भी एक दिन मरना है जाना ही है कोई यहां रहने नहीं आए साथ देती नहीं किसी का साथ देती नहीं किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा
शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, 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 साथ साथ देती नहीं, 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 साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, कौन जिंदगी, जिंदगी तो बेवफा है, साथ छोड़ देती है, जिंदगी तो बेवफा है साथ छोड़ देती है। और संतों ने कहा मौत तो महबूबा है साथ ले जाती है, मौत महबूबा है वो साथ ले जाती है, जिंदगी तो बेवफा है छोड़ देती है साथ। तो मौत किसी को छूटनी नहीं है, सबको मृत्यु को प्राप्त करना है, सबकी मृत्यु होनी है। और मैं तो मानता हूं ऐसी तैयारी करके बैठे कि कब मरहू कब मिलहू परमानंद, किसको पता है कि कब वो मौत की सहजादी आएगी और हमें ले जाएगी। सजदज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। गाना है इसको, आइए तो सुन हाथों से आप ताली बजाएंगे तो हम गाए, और आप सोचते होंगे कि कल की कथा में बजाएंगे ताली तो पता नहीं है कल, खबर नहीं पल की मूर्ख बात करे कल की, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाता है बहुरी करेगा कब, इसलिए कल नहीं आज नहीं अब ताली बजा दीजिए। भरोसा नहीं है कब जाना पड़ जाए, लेकिन जाना पड़ जाए जाना ही है, लेकिन जाने के बाद बता तो पाएंगे कुंभ में गए थे प्रयागराज में गए थे और माँ की गोद में माँ गंगा की गोद में सत्संग सुनते थे और सत्संग सुनते सुनते हरिनाम की ताली भी बजाते थे। दोनों हाथों से आइए, सजदज के जिस दिन मौत की, सजदज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना न चांदी न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा।
सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, तू सोने के समान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के समान है, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, सोना न चांदी बस ताली काम आएगी, इसलिए ताली दोनों हाथों से आइए माँ की गोद में प्रयागराज कुंभ में, यहां न ताली बजे तो और कोई बजनी नहीं है आपकी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा चांदी आएगी, मैंने जो बात कही वो सत्य है इसलिए जोर से कह रहा हूं, क्योंकि आज तक जिन किसी को आपने देखा होगा अंतिम यात्रा में हाथ खाली थे, ये सत्य है इसीलिए, न सोना काम
कर्म का प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्म का प्रताप तूने पाया मानव तन, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा मन, अब पाप में डूबा है कर्मों का परताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का परताप तूने पाया मानव तन, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ये पाप क्या ना ये डुप्लीकेट है, आपकी ताली ओरिजिनल है और गोपी गीत में तो जो हो वो ओरिजिनल हो, यहां नो डुप्लीकेट, नो ओवर एक्टिंग, यहां तो जो है वो रियल, क्योंकि ये राधा रानी का गीत है, ये राधा रानी की कथा है, ये गोपियों का भाव है, शुद्ध भाव है, इसलिए नो अवडंबर, नो एक्टिंग, जो है वो प्योर, या मिक्सिंग वाला काम ही नहीं, इनकी तो आवाज अच्छी, मेरी भी आवाज अच्छी इसलिए निकल रही है क्योंकि मिक्सर से आ रही है, आपकी ताली ओरिजिनल है और वही भगवान को चाहिए, और हम तो निमित्त है, ये संगीत वाले आए, हम आए, स्वामी जी ने हमें आशीर्वाद दिए, कहा कथा करें, हम निमित्त है, हम माध्यम है, ध्येय तो है आप ताली बजाए और आप भगवान का गुणगान करें और सुने भगवान की कथा, ध्येय वो है, उद्देश्य वो है, इसलिए आइए बहुत भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, सोना काम आए जिते जिस दिन मौत किसे जादी आएगी, सज सज के जिस दिन मौत किसे जादी आएगी, चलो ताली सेट हो गई अपनी, अब मेरे साथ में आप एक लाइन गा लीजिए, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सोना हाँ, सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोने चांदी के लिए जितने जोर से झगड़े करते हो उसी आवाज में बोलो ये भी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना न सोना, और जोर से, काम आएगा ना चांदी आएगी। चलो आपसे कोई पूछे, आप प्रयाग गए थे, आप कुंभ मेला में गए थे तो क्या करके आए, तो कह देना न सोना का ना चांदी, हमने बात को समझ लिया कि ये सोना चांदी जिसके लिए हम झगड़ा करते करते जीवन को समाप्त कर देते हैं वो सोना चांदी, ये जो वैभव है वो काम आने वाला नहीं है, बस एक भगवान का नाम हरिर नामैव केवलम, हरिर नामैव, हरिर नामैव केवलम, खेड़ो हो हरि नाम नि खेती जामे था से लाभ जी, मन पवन बेहू बढ़ दिया, एक एक शास्त्र है,
इसके ऊपर अलग से कथा होनी चाहिए। सतपंथ में सदगुरु भगवान कहते हैं, खेड़ो हो हरि नाम निखेती जामे था से लाभ। ऐसी हर कोई किसान ऐसी खेती करना चाहता है ना जिसमें लाभ हो, किसी को नुकसान थोड़ी ना प्रिय होता है। आप भी जीवन को ऐसा जीने की कोशिश करिए कि लाभ हो नुकसान न हो आपका, ऐसे जीवन जिए कि आपका नुकसान न हो, ये मनुष्य जन्म व्यर्थ न निकल जाए, ऐसा जीवन जीने की आप भी कोशिश करिए। खेड़ो हो, इसलिए हम भी कौन सी खेती करें, हरिनाम की खेती करें। खेड़ो ये गुजराती शब्द है, खेड़ो तो खेड़ो हो हरि नाम ने खेती, कि हम हरि नाम की खेती करें, जामे था उसमें हमें लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हम खेती करना छोड़ दे, खेती करते समय भी तो नाम ले सकते हो। और पहले के संतों को देखो, हमारे महाराष्ट्र के महाराज गोरा कुंभार थे, अपने वो मटके बनाते थे और जो भी काम करते थे तो बस काम करते करते भी भगवान विट्ठल का नाम, भगवान पांडुरंग का नाम लेते थे, भगवान विट्ठल का नाम लेते थे काम करते करते। एक दिन तो पैरों से वो मिट्टी रौंद रहे थे, क्योंकि मिट्टी से दीपक बनाना है, मिट्टी से वो मटका बनाना है, तो मिट्टी को काबिल बनाना पड़ता है ना, हाँ, कि मिट्टी में कोई पत्थर ना हो, कंकर ना हो, मिट्टी को बहुत आसान बनाया जाता है। मैं यही तो कर रहा हूं गोपी की चर्चा के माध्यम से, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप भी कोई दीपक बने, आप भी आप उपयोग में आए, ऐसा आपके जीवन को जिए। तो महाराज गोरा कुंभार अपने दोनों पैरों से उस माटी को रोंद रहे थे और भजन कर रहे थे भगवान का। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। मैं भी महाराष्ट्र से आया हूँ और ये मराठी में है, तो गाइए मेरे साथ, महाराष्ट्र को भी याद करते हैं। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला।
भगवान विठल जी का नाम ले रहे थे। माझा विठल पांडुरंग, माझा मतलब अपना, मेरा, मारो कि मारो विठल, मेरा विठल, अपना विठल, माझा विठल। देखो संतों ने हमेशा भगवान को ही अपना कहा, कभी वो संसार को अपना नहीं समझे। अपने जब कभी अपना कहा, मेरा कहा, हम घर को मेरा, हम वैभव को मेरा समझ बैठते हैं, और भगवान हम संतों ने हमेशा भगवान को मेरा कहा, अपना कहा। गोरा कुंभार जी भगवान को याद कर रहे थे, माटी रोंद रहे थे पैरों से। अब क्या हुआ, जब माटी रोंद रहे थे पैरों से, माटी को उपयुक्त बना रहे थे, अनुकूल बना रहे थे, खेलते खेलते उनका छोटा सा बच्चा था, रोंदते रोंदते वहां पर आया, वहां पर अपने घुटनों के बल चलते चलते वो छोटा सा बच्चा वहां पर आया। इनके हाथों में तो करताल थी, हाथों में करताल थी और भगवान का नाम लिए जा रहे थे, दोनों आंखें बंद थी, दोनों आंख बंद थी, हाथों में करताल थी और विठल विठल गाए जा रहे थे। पता ही नहीं चला, छोटा सा वो बालक घुटनों के बल चलते चलते वहां आया, वो मिट्टी में आ गया, मिट्टी तक आ गया, मिट्टी के साथ साथ ध्यान नहीं था महाराज का, मिट्टी के साथ साथ अपने पैरों से अपने छोटे बालक को भी रोंद रहे हैं, पैरों तले आ गया बालक। और बालक तो एक नन्ना सा बालक था, कोमल शरीर था, वो बालक को चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला, और चिल्लाया भी तो सुनाई नहीं दिया, क्योंकि ये अपने मस्ती में थे, मस्त थे। थोड़ी देर बाद जब आंख खुली, पता चला तो शोक करने लगे, अपने उसी विठल को याद करने लगे, जिस विठल को याद करते करते ये घटना बनी थी, उसी विठल को याद करने लगे, आंसुओं की धाराएं बहने लगी, अपने बालक के लिए मेरे से ये क्या हो गया। वापस मेरे प्यारे भगवान विठल प्रकट हो जाते हैं और बालक को जीवन दान दे देते हैं, बालक जीवंत हो जाता है। ये नाम की महिमा है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि गोरा कुंभार जी अपना कार्य करते करते भी भगवान का भजन कर लिया करते थे, उसका परिणाम है कि उनसे ज्यादा भगवान उनकी चिंता करते थे, भगवान प्रत्यक्ष आकर उनको मदद करते हैं, उन वो काम में भी राम को याद करते थे। इसलिए कोई अलग से समय निकालकर हमें भगवान का भजन या सत्संग करने की जरूरत नहीं होती। उठनता बैसनता राह चलनता नाम स्वामी जी ना लीजिए। सतपंथ के शास्त्र में भी कहा कि उठते बैठते चलते फिरते आप भगवान को याद करिए, किसने मना किया। लेकिन याद करना भगवान को जरूरी है, तो इसीलिए हम जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, मृत्यु एक दिन हम सबको प्राप्त होगी, लेकिन हम गोपी बनकर अपने मृत्यु को प्राप्त हो, हम राधा जैसे भाव को प्रकट करें अपने हृदय में और फिर मृत्यु को हम प्राप्त हो, बस इसीलिए ये गोपी गीत की चर्चा है कि जाने से पहले थोड़ा भगवान से प्यार तो कर लीजिए, हम प्रेम तो कर ले, हृदय में भगवान के प्रति भाव तो भर ले जाने से पहले। इसीलिए अगर जीवन को सुधारना है तो मृत्यु सुधारना जरूरी है। मृत्यु सुधर जाती है तो बस हम अपने भगवान को जाकर मिल जाते हैं। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, फिर हम भी लाल हो जाएंगे, हो हम भी जो एको हम है उसमें एक हो जाएंगे। अगर
और रंग हमें लगता है। इसीलिए मृत्यु सबको आनी है, लेकिन कुछ हम करके जाए, भक्ति करके जाए। वैसे गुजराती में भी एक बहुत बढ़िया एक पद गाया जाता है, कौन जानी सके काल ने रे सवार काल के उठाशे, कौन जानी सके काल ने रे सवार काल के उठाशे, कौन जानी सके काल ने रे सवार काल के उठाशे। काया माथि हंस लो रे ओ चिंता नो पूरी जासे, काया माथि हंस लो रे ओ चिंता नो पूरी जासे, कौन जानी सके काल ने रे सवार काल के उठासे, मोटा बंगला रे मोटर ने गाड़ी वाड़ी, तारा मोटा मोटा बंगला रे मोटर ने गाड़ी वाड़ी, तारा मोटा मोटा बंगला रे मोटर ने गाड़ी वाड़ी, तारा मोटा मोटा बंगला रे मोटर ने गधी माया मुड़ी मेली में खाली हाथ जाऊ पैसे, माया मुड़ी मेली में खाली हाथ जाऊ पैसे, कौन जान सके काल ने रे सवार काल के उठाशे, कौन जान सके जानी सके काल मेरे सवारे काल के उठा से। क्या यहां बैठे आप मुझे बताएंगे कि कल सुबह क्या होने वाला है? हाँ, कल क्या होने, आप सोच रहे होंगे महाराज आप तो कल सुबह की बात कर रहे हो, आने वाले क्षण में क्या होने वाला है, आने वाले पलों में क्या होने वाला है, वो भी हमें पता नहीं है। इसीलिए तारो देह रूपाड़ो रे नहीं राखे घर मा घड़ी, तारो देह रूपाड़ो रे नहीं राखे घर मा घड़ी। ये रूपाड़ो देह सुंदर शरीर नहीं राखे घर मा घड़ी, ये जो हमारा सुंदर शरीर है जब हंसरा निकल जाता है, हंस उड़ जाता है, कितना समय रखते हैं शरीर को घर में? कितना समय रखते हैं? इसीलिए कवि ने बहुत खूब कहा, तारो देह रूपाड़ो रे नहीं राखे घर मा घड़ी, तारो देह रूपाड़ो रे नहीं राखे घर मा घड़ी, तारा सदा ने सबंधी रे थोड़ा दी मा भूली जासे, तारा सदा ने सबंधी रे ए थोड़ा दी मा भूली जासे, जो सदा सबंधी है थोड़े दिन में भूल जाएंगे, वो याद रखने वाले नहीं है, थोड़े दिनों तक रोएंगे, ज्यादा से ज्यादा 8-10-11 दिन, वो भी कोई कहे नहीं कि कोई रो नहीं रहे इसलिए रोएंगे। तारा सगाने संबंधी रे कोई हमें याद नहीं रखेगा, थोड़ा दीमा भूली जैसे थोड़े दिनों में हमें भूल जाएंगे, इसलिए कवि बहुत बढ़िया वर्णन करते हैं।
हरी साची खोटी वाणी रे वाणी आ जगमा अही तारी साची खोटी वाणी रे वाणी आ जगमा अही तारो पंख दानो तारो पंख दानो मेरो रे पलक मागी खाई जसे तारो पंख दानो मेरो रे पलक मागी खाई जसे तारो पंख दानो मेरो पलक मावी खाई जैसे। हम कह रहे थे मेरा परिवार पलक मावी खाई जैसे। एक क्षण ऐसा आएगा कि बस सब विखाई जैसे, सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, सब छूट जाएगा एक पल में छूट। जिसको जीवन भर मेरा मेरा अपना अपना कहते रहे, एक क्षण में छूट जाएगा। नहीं इच्छा होगी छोड़ना पड़ेगा। नहीं निकलोगे घर से बाहर, घर वाले आपके ही बेटे जो वारिस है आपकी प्रॉपर्टी के, वही आपको बांधेंगे, ऐसा बांधेंगे कि जल्दी छूटे नहीं, और वही आपको बांध कर घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं राखे पलमा घड़ी, नहीं रखेंगे आपको आपके घर में, एक क्षण नहीं रहने देंगे। करो जल्दी से जल्दी तैयारी करो। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो सूचनाएं दी जाती है व्हाट्सएप फेसबुक पर, ये अब इनकी मृत्यु हो गई और 2 बजे इनकी अंतिम यात्रा है। नहीं राखे पलमा घड़ी। तने मड़ो रुडो मन खोरे बांधी लेने भवनो भातु, तने मड़ो रुड़ो मन खोरे बांधी लेने भवनो भातु, ताने थाने थाने राम भक्त साचो रे फेरो तारो सब थासे, थाने राम भक्त साचो रे फेरो तारो सब थासे, थाने राम भक्त साचो रे फेरो तारो सब थासे, कौन जान सके काल मेरे सवार काल के उठासे, कौन जानी सके काल नेरे सवारे काल केव थाशे। आ काया माथी हंस लो रे तो चिंता नो उड़ी जसे, कि सुबह क्या होगा हम किसी को नहीं पता, और इस काया में से जो हंस है जो देख सुन बोल रहा है वो काया में से उड़ जाएगा। इसीलिए उस काया में से हंस निकल जाए इस शरीर को छोड़ दे, उससे पहले हम जो करने आए, इस जन्म को सफल बनाने आए, उस जन्म को सफल बनाने की पूरी पूरी हम कोशिश करें। तो आइए गोपी गीत का जो भाव है, क्योंकि हमें गोपी बनना है, गोपी गीत हम सुन ही तो इसलिए रहे हैं। एक बात याद रखना, गोपी गीत सुनते समय मन में कोई कामना न हो, कोई इच्छा न हो, तो वही के वही व्यर्थ हो जाता है इस चर्चा को सुनना। बस निष्काम भाव हो, समर्पित भाव हो, तब गोपी गीत का आनंद आता है। आप कहोगे हम गोपी गीत महाराज सुन ही तो इसीलिए रहे हैं कि पुण्य मिले, तो गोपी गीत समझ में ही नहीं आएगा।
यहां तो इसलिए आकर बैठे और इसलिए सुने, इस अवस्था में आकर बैठे, इसलिए हम सुनने की कोशिश करें कि बस हृदय में भाव को भरना है, निष्काम प्रेम को पाना है, उस महाभाव को प्राप्त करना है। इसलिए यहां यह कामना लेकर बैठोगे तो यहां से जैसे आए हो वैसे ही जाओगे, लेकिन निष्काम होकर सुन रहे हो तो बहुत कुछ ले जाओगे झोली में जाते समय, जो सोचा ही नहीं हो। क्योंकि जब रासलीला होती थी ना, भगवान वहां गेट पर खड़े रहते थे, एंट्री गेट पर, और पूछते थे गोपियों को कि क्यों रासलीला में आप सम्मिलित होना चाहती हो। तो कोई संसार की मांग रखे, तो कोई अपेक्षा इच्छा रखते, तो भगवान कहते यहां आपका काम नहीं है। और किसी गोपी को पूछ लिया, उस गोपी ने अगर कहा कि अरे भगवान संसार बहुत करके देख लिया, आनंद नहीं मिला, बस उस आनंद के लिए यहां हम आ रहे हैं, तो भगवान कहते ऑल फिर वेलकम, सुस्वागतम, आप आइए, यहां आपका काम, ये आप ही के लिए आयोजन है। किसी गोपी को पूछते तो गोपी कहती क्यों आई हो, बस हमें नहीं पता क्यों आए, बस हमें इतना पता था हमारा कृष्ण यहां है, हम आ गए, हम कृष्ण के लिए आए। भगवान कहते तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। जो वहां निष्काम भाव से आती भगवान आने देते थे, जो कृष्ण के लिए आती थी उनको भगवान वहां पर आने देते थे। इसलिए हमें उस निष्काम भाव को जागृत करना है, नहीं तो हमें ना इतना सा प्रसाद बनवाए भगवान के लिए, सत्यनारायण की कथा होती है, पूजा होती है, इतना प्रसाद बनवाएंगे और महाराज को कहेंगे संकल्प पूरा करना और संकल्प में पूरे दुनिया की जाहो जलाली मांग लेंगे, इतने से प्रसाद में दुनिया की जाहो जलाली मांग लेंगे भगवान को। काही मागाया छे आहे पण मागणार नाही, देवळाच्या द्वारा मध्ये भक्ति तोलनार नहीं। कि भगवान कुछ मांगना तो है लेकिन नहीं मांगूंगा, और कुछ तेरे दरबार में आ ही चुका हूं तो कुछ मांग कर मैं अपनी भक्ति का व्यवहार नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता। क्योंकि वहां भी जाकर अगर कुछ देकर कुछ मांग ना चाहते हो, कुछ पाने की इच्छा से कुछ दे रहे हो, मालाएं हम कर रहे हैं कुछ पाने की इच्छा से, तो वो तो व्यवहार है, कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन प्रेम तो वो है जहां समर्पण है, त्याग किए ही किए जा रहे बगैर घी में। हम तो सोचते 108 होना चाहिए, 108 होना चाहिए, इतनी माला, लोग पूछते कितनी माला करे भगवान की, मैं बोला भगवान बगैर गिनती से दे रहा है, तो क्यों गिनती में फंसती है, तो क्यों गिनती में फंस रहा है। मेरा मालिक तो बगैर गिने दे रहा है, बगैर गिनती के दे रहा है, कोई कंजूसी नहीं। और हम गिनती के साथ 108 बताए फिर भी वो चार बार देखते कितना बाकी है, बस हो गई, हम तो गिनती रखते हैं, भगवान गिनते नहीं है। इसलिए कुछ मांगना तो है, भगवान मांगूंगा नहीं क्योंकि व्यवहार नहीं करना चाहता। बस जाइए, खड़े हो जाइए प्रहलाद की तरह, बस खड़े हो जाइए, मिलने तो जाइए उस भगवान कृष्ण को, सुदाम जी बनकर जाना, कहने की जरूरत नहीं है कि घर में परिस्थितियां बिकट है, भोजन नहीं है, बच्चों का पेट नहीं पालो पा रहे, कहिए मत, बस जाइए उस द्वारकाधीश को मिलने तो जाइए। द्वारकाधीश अनंत है, उन सारे दुखों को जानता है, दुनिया को जानता है, उसे पता है। महाराज
जब दुखी थे सुदाम जी, मेरे भगवान देख रहे थे। और याद कर 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 आंखों में आंसू भी आ रहे थे, लेकिन भगवान कह रहे थे, अरे अब तो हट छोड़, अब तो आकर मिल, तब कुछ कर पाऊंगा। और जब मेरे महाराज सुदाम जी भगवान को मिलने जाते हैं, बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, नहीं कहा था महाराज सुदाम ने, अपने दुख को व्यक्त नहीं किया, बस जाकर मिल गए। और मेरे भगवान ने सुदाम जी महाराज वापस जाने से पहले तो एक नगर का निर्माण कर दिया, एक सोने की नगरी का निर्माण मेरे भगवान कर देते हैं। क्या मांगा था? मांगने से मिले भीख, और बिना मांगे मिले मोती। मांगा नहीं मेरे सुदाम जी ने, भगवान जानते हम सुदाम जी बनकर जाए तो सही, उसके सामने खड़े तो रहे, जाकर खड़े रहिए, बस वो जान जाता है, समझदार है। और वही तो एक है जो जानता और समझता है, एक ही दुनिया में। और लोग तो आपको भले ही जानते हो, स्वार्थ के लिए जानते हैं, और जानने के बाद भी नहीं जानते, ऐसा दिखावा जरूर करते हैं। लोग तो आपके दुखों से भागते हैं, आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। एक ही है भगवान जो साथ देता है, बस हम सुदाम बन के जाइए, वो समझता है, बस इसलिए सामने खड़े हो जाइए, बस भगवान को अपना व्यसन हो जाए। जैसे हमारा सुबह का 6 बजे का समय है मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने का, किसी दिन इतना जाइए, इतना ऐसे जाते रहिए कि भगवान को आपका व्यसन हो जाए। किसी दिन 6 बजे और आप नहीं आए मंदिर में, तो मंदिर वाला भगवान आपके घर आएगा, आज मेरा भगत आया क्यों नहीं, दुखी तो नहीं है, मेरे भक्त को कष्ट तो नहीं है जो आज नहीं आया, क्यों नहीं आ पाया। वो उसके भक्त का कष्ट देखने घर जाता है, घर पहुंचता है, पता करने मेरा भगत क्यों नहीं आया। हम भगवान को आदत डाल दे, फिर जैसे विट्ठल भगवान की महिमा हम गा रहे थे, जाना नहीं पड़ा महाराज पुंडलीक को, पुंडलीक जी के घर चलते चलते परमात्मा कृष्ण वहां पर आते हैं, भगवान वहां पर आते हैं। पुंडलीक के घर मां बाप की सेवा में लीन थे महाराज पुंडलीक, नहीं जाना पड़ा भगवान, नहीं ढूंढना पड़ा, न कोई अलग कोई कार्य साधना करनी पड़ी, बस मां बाप की सेवा को अपनी साधना बनाया। महाराज पुंडलीक को ढूंढते ढूंढते भगवान वहां आए, सेवा कर रहे थे, भगवान ने पुकारा, भगवान ने कहा हे पुंडलीक जी, तो पुंडलीक जी का ध्यान गया, प्रत्यक्ष भगवान आए, पुंडलीक जी मां बाप की सेवा कर रहे थे। पुंडलीक जी ने कहा भगवान आप आ तो गए, लेकिन अब मैं मां बाप की सेवा में लीन हूं, थोड़ा रुकिएगा, एक वीट पड़ी थी वो वीट फेंकते हैं। महाराज पुंडलीक भगवान को कहते हैं बस दूसरा तो कोई आसन अब है नहीं, इसी वीट पर, इसी ईट पर आप खड़े हो जाइए। उस वीट को आसन बनाया, उसके ऊपर भगवान विट्ठल खड़े हो गए, भक्त के लिए रुक गए। भक्त ने कहा अरे भगवान, जिस पुरुषार्थ के कारण, जिस मां बाप की सेवा के कारण आप मुझे ढूंढते मेरे घर आए हो, मैं वो मां बाप की सेवा कैसे भले भूल जाऊं, पहले तो वो सेवा कर लूं फिर आपको मिलूं। हम तो मां बाप को छोड़ भगवान को मिलने निकल पड़ते हैं। 68 तीर्थ घर मां बैठा, मां बाप ने तू नम्यो नहीं, मां बाप ने तू नम्यो नहीं, ए मां माउतर बिचारा शू करे। हम मां बाप का प्रणाम नहीं करे तो ए मां माउतर बिचारा शू करे। सेवा करते करते पुंडलीक ने कहा, अर्थात ही पुंडलीक जी के मां बाप भी वैसे ही आदर्शवत जीवन जी रहे थे,
क्योंकि कई बार मैंने चर्चा हृदय से की और करने का मुझे पूरा अधिकार है। हमने भी खुद अपने माँ बाप के वचनों को पालन करने की पूरी कोशिश आज तक की है, इसलिए हम अधिकार वाणी से इस बात को कह सकते हैं। लेकिन जब कभी कहा तो किसी ने हमें कहा, हमारा बाप तो शराब पी रहा है, कैसे सेवा करे। मैं कहा, भक्त प्रहलाद को याद करिए ना। फिर ठीक है, छोड़ दीजिए उसके व्यवहार को, उसके दुराग्रह को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं करो कि हमारे पिताजी भी ऐसे तो हम भी ऐसे ही करें। तो माँ बाप भी तो श्रवण के माँ बाप जैसे माँ बाप हो तो आनंद आता है, बेटों को भी सेवा करने में। सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जब जुड़ जाती सबने सबने, बेटा हो के माँ बाप हो, जब अपने अपने कर्तव्य का, अपने जिम्मेदारियों का याद रखते हुए अपने जीवन को जिएंगे तो जीवन वैकुंठ बन जाता है और किसी वैकुंठ की अपेक्षा ही खत्म हो जाती है। लोग पूछते हैं क्या मरने के बाद, मृत्यु के बाद वैकुंठ मिलेगा? मैं बोला मिले ना मिले वो उसके हाथ में है, फल देना न देना उसके हाथ में, क्या देना न देना उसके हाथ में। लेकिन हमने कहा जब तक हम जीवन को जी रहे हैं तब तक हम आनंद से जिए, अच्छी तरह से जिए। जहां जी रहे हो, जिस परिवार घर में रहे उसे वैकुंठ क्यों नहीं बना देते? जीते जी वैकुंठ की अनुभूति हो सकती है। हम सब अपनी जिम्मेदारियों को याद रखें तब जाके बेटा भी और माँ बाप भी, दोनों की जिम्मेदारियां है, तब जाके ये रिश्ता बनता है। पुंडलिक जी महाराज को स्वयं भगवान मिलने आए और जब माँ बाप की सेवा पूरी होती है तब भगवान को मिलने गए, प्रणाम किया, तब से लेके आज तक भगवान वीट पर खड़े हैं, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। आज भी महाराष्ट्र में पंढरपुर धाम में हम जाते हैं तो भगवान आज भी वहां खड़े मिलते हैं। इतनी ताकत है भाव में, इतनी ताकत है भक्ति में कि इस तरह की भक्ति हम करें, इस तरह की साधना करें, इस तरह का भाव हम सबके हृदय में हो, पुंडलिक की तरह भगवान खुद मिलने आ जाए। तो इसी भाव का निर्माण करने के लिए, इसी हृदय शुद्धि के लिए, विचार शुद्धि के लिए, एक गोप्य भाव हृदय में भरने के लिए, गोपी बनने के लिए ये कथा का आयोजन है। तो इस आयोजन के, इस कथा के माध्यम से आइए हम अपने आप को इस तरह से बनाएं कि हम भगवान को, भगवान के प्रिय बन जाएं। ऐसे जीवन को जीने की कोशिश करें, मन को काबू करें। तो गोपिया वही है जो मन के ऊपर काबू करती है। हम जब सुनते हैं ना रासलीला, फिर हमारे बुद्धि में आ जाता है रासलीला मतलब भगवान कृष्ण बीचों बीच खड़े हैं और गोपियां नाच रही है रासलीला। नहीं, ये आध्यात्मिक चर्चा है। यहाँ रास का मतलब है रस, जो मैं आपसे कह रहा हूं ये रस वहां बहा है, ज्ञान का रस। वहां भगवान कहते थे कैसे, गोपियां तो वही है, उन्हीं गोपियों को तो वहां प्रवेश मिलता था, उन्हीं को रासलीला का आनंद मिलता था जिन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की है। 10 इंद्रिय हमारे, जिन्होंने 10 इंद्रियों को काबू कर लिया और 11वें मन को काबू कर लिया। एकादशी होती ना, एकादशी गुजराती में अग्यारस बोलते हैं, एकादशी। तो एकादशी के दिन यही तो हमें को अनुष्ठान करना होता है। एकादश माने 11, 10 इंद्रिय और 11वां मन। ये जो हमारे 11 इंद्रिय है एकादश, उन इंद्रियों को काबू करने की कोशिश करनी होती है। ये गोपी गीत है। तो गोपियां, हम गोपी तब बन सकते हैं, तो गोपी बनने के बाद फिर शुरू होता है कृष्ण मिलन, मुलाकात, आनंद, अनुभूति, स्वानुभव, ये साक्षात्कार, ये
वो सब कुछ जो आप सोच रहे हो ना, वो सब कुछ गोपी बनने के बाद शुरू होता है। इसलिए पहले हम गोपी बने, गोपी बनने के लिए इंद्रियों के ऊपर काबू पाए, और उन्हीं इंद्रियों से जो जो इंद्रिय विषय रस को प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं इंद्रियों से हम उस ब्रह्म रस को प्राप्त करने की कोशिश करें और गोपी बने। इसीलिए राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल।